नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और आज की चर्चा इस बड़े सवाल पर होगी कि तीसरे चरण के दंगल में आखिर ये रण कौन जीतेगा। तो यूपी में 8 सीटों पर और साथ ही साथ 10 सीटों पर चुनाव लगातार जारी है, इसी बीच अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। और वेस्ट यूपी चूंकि यादव लैंड भी कही जाती है, यहां पर कई सीटें ऐसी है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो वहीं 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर एक लंबे मार्जिन से जीत हासिल की है। जिन 10 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कल करते हुए नजर आएंगे, उनमें से 8 सीटें ऐसी है जिस पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं, माहौल बदल चुके हैं, चुनावी मुद्दे बदल चुके हैं, इन सब का असर कितना होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कल जिस तरीके से जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने निकली है, उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां ने पूरी जोर आजमाइश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। इस दौरान कई ऐसे बड़े मुद्दे रहे जो चुनावी मैदान में दमखम दिखाते हुए नजर आए। मंगलसूत्र पर सियासत होती रही, विरासत पर सियासत होती रही और साथ ही शहंशाह और शाहजहां, ये तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। तो फाइट तो जबरदस्त है, लेकिन इस फाइट में जीतेगा कौन, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि आखिरी जो लड़ाई होती है वो सीट की होती है, वो गद्दी की होती है और एक समय पर जो मार्जिन है उसकी भी बातें नहीं होती हैं। तो 10 सीटें हैं, तीसरा चरण है और कौन जीतेगा चुनाव, वाकई बहुत देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये सीट जहां पश्चिमी यूपी की है, तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी लगातार जोर आजमाइश कर रही है। और जहां एक तरफ इस वेस्ट यूपी को फिलहाल जिन 10 सीटों पर वोट होना है इसे यादव लैंड कहा जा रहा है, तो वही तीसरे चरण को बीजेपी का मजबूत दुर्ग भी कहा जा रहा है 2019 के नतीजों को देखते हुए। लेकिन यहां पर यादव परिवार के भी कई सदस्य ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चाहे अगर हम बात करें मैनपुरी से, तो मैनपुरी से खुद मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो वहीं बदायूं से आदित्य यादव चुनावी मैदान में दमखम भरते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बदायूं भी ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपने कैंडिडेट को बदला है। बदायूं में पहले समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को घोषित किया था प्रत्याशी, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव की बात निकल के सामने आई। जबरदस्त तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने इस बात को कहा कि वो चाहते हैं कि इस सीट से आदित्य यादव चुनाव लड़ें। और उसके बाद आलाकमान ने यह फैसला लिया कि बदायूं सीट से आदित्य यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वही अगर अब बात फिरोजाबाद की करें, तो फिरोजाबाद में भी अक्षय यादव दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इस सीट पर साफ तौर पर कहा जाए कि यादव परिवार के 3-3 सदस्य चुनावी मैदान में है जिनके साथ दांव पर लगी हुई है। वही 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर हम गौर करें, तो संभल के साथ ही मैनपुरी सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई थी। और जब मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, तो यहां भी एक जो सिंपैथी वोट है उसके बयार बहती हुई नजर आई। और मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव दमखम से चुनावी मैदान में उपचुनाव में उतरी थी और उस दौरान भी डिंपल यादव ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब जिस तरीके से प्रचार खत्म होने के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में मैनपुरी और एटा में प्रचार करते हुए नजर आए थे, उससे यह बात तो स्पष्ट है कि मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मजबूत है। क्योंकि मैनपुरी से कैबिनेट मंत्री जो कि यूपी सरकार के हैं उन पर दाव लगाया गया है, जयवीर सिंह पर। तो मैनपुरी मिशन 80 के लक्ष्य में रोड़ा बन सकती है, बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने मैनपुरी पर पूरी जोर आजमाइश की है और साथ ही साथ बदायूं में भी बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। और बदायूं में तो बीते दिनों उत्तराखंड के सीएम भी रोड शो करते हुए नजर आए। तो ये तमाम कई ऐसी सीटें हैं जिसको ये देखकर समझा जा सकता है कि मिशन 80 के लक्ष्य में तकरीबन तीसरे चरण में 3 सीटें ऐसी हैं जो गले का फांस बन रही हैं, जबकि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी मजबूत दिख रही हैं और तकरीबन 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर भी है। आंवला, बदायूं, फतेहपुर सीकरी और संभल में कहीं ना कहीं बीजेपी फिलहाल हल्की फुल्की माफ कीजिएगा कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और वही 2 सीटें ऐसी हैं मैनपुरी और फिरोजाबाद जहां सपा मजबूती से लड़ रही है, और बदायूं भी ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी बेहद ही मजबूती से लड़ रही है। और फतेहपुर सीकरी में जो इंटरनल सर्वे है वो फिलहाल यही बताता है कि भाजपा
एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 10 में से 8 सीटें जीती थी, 2 सीट संबल और मैनपुरी सपा के खाते में गई थी। तो लाजमी है कि अगर बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य इस बार चुनाव में स्थापित किया है, रखा है, तो वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अब बीजेपी की सेंधमारी कितनी कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी। तो तीसरे चरण के रण में समाजवादी पार्टी कैसे मजबूती से खुद को प्रेजेंट करती है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाना कितना मुश्किल है या कितना आसान, आज कई ऐसे बड़े सवाल है जिस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से डीपी यादव अपना पक्ष रखेंगे, वही कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी जिस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में विनय तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले अंशु अवस्थी जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। अंशु जी, इस बार तो इंडिया अलायंस मजबूती से चुनावी मैदान में उतरा है, लेकिन 2019 के नतीजे ये बताते हैं कि जिन 10 सीटों पर कल जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी वो फिलहाल बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है। क्या लगता है कितनी कामयाबी हासिल होगी? पूरी ताकत से लड़ रहा है और एक चीज और बता दें, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि चुनाव किसी अगले चुनाव का आधार नहीं होता। पिछला था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, सब जुमला निकला, सब झूठ निकला। आज भाजपा के पास जवाब नहीं है, उनके नेता थके थके मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज ये ग्लिच को ठीक किया जाए। अंशु अवस्थी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही और जल्दी मैं अंशु अवस्थी जी का रुख करूंगी। लेकिन देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, लगातार जो मुखर होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, यही वजह है कि आप हर एक चुनाव जैसे जैसे बीतता जा रहा है, चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, आप अनर्गल मुद्दों पर राजनीति करते हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। विवेक जी मुस्कान, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, थोड़ा पिछला से आवाज ठीक करवाइए जी। ठीक है विवेक जी, अपना पक्ष रखिए। जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, विपक्ष के नेता अपना आपा खोते जा रहे हैं, डीके शिव कुमार के कार्यकर्ता को थप्पड़ मार रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सत्ता में आए तो रात में मूल का फैसला पलट देंगे, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। उससे साफ है कि विपक्ष अपनी आसन्न पराजय को देख के हताश और निराश है और उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस का कहीं से खाता खुलने नहीं जा रहा। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान में भी किसी ने साफ चल भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ पूरे शंखनाद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। हम मान नहीं करते, हम विजय रथ घरघराते हुए ले जाते हैं, जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम अपने काम पे, अपने नेताओं की विश्वसनीयता पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे मैदान में उतरते हैं और हमने सालों से उसका उम्र किया है। आज अगर हमारा नेतृत्व कहता है कि एनडीए 405 भाजपा 370 तो उम्र के आधार पे कहता है। हम हवा हवाई बातें नहीं करते, हम गोबर खरीदने वाली पार्टी नहीं है, हम जनता के मूलभूत सुविधाओं पे काम करने वाले लोग हैं, अंतिम पायदान पे खड़े आदमी तक विकास की किरण ले जाने वाले लोग हैं, उसको मुख्य धारा में जोड़ने वाले लोग हैं, एक एक पाइप का हिसाब रखने वाले लोग हैं, हम कमीशन खाने वाले लोग नहीं है, सरकार से आई एक एक पाइप आज लाभार्थी वर्ग तक पहुंच रही है। हमारा प्रधानमंत्री ये नहीं कहता कि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 15 पैसा आज तक पहुंचता है, वो 1 रुपया सब पुस्तक लाभार्थी तक पहुंचे इसकी चिंता हम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं। उसे काम के दम पर, उसी लाभार्थी वर्ग के दम पर
हम कहते हैं कि इंडिया 405 विपक्ष के नेता अपना आपा खो रहे हैं। ठीक है, आरोपों पर जवाब लूंगी। अंशु अवस्थी जी क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं? मैं अपनी टीम से पूछूंगी क्या अंशु अवस्थी जी मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, अंशु अवस्थी जी को जल्द से जल्द जोड़ा जाए, मैं अपनी टीम से लगातार ये बोलूंगी। लेकिन देखिए डीपी यादव जी, लगातार समाजवादी पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है और ये सीट तो यादव लैंड है। अगर हम यहाँ की तीन सीटों पर गौर करें तो यहाँ पर तीन सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव परिवार के ही सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं और विवेक श्रीवास्तव जी यही कह रहे हैं कि उन्होंने समाज के हर एक वर्ग के लिए काम किया है। ऐसे में वो आरोप भी लगा रहे हैं आप पे कि आप परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। मुस्कान जी, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 और 2019 में वादा किया था, कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा दी है। और क्या है, कितने मूर्त निकले चुके हैं, उनमें क्या क्या वादे पूरे किए भारतीय जनता पार्टी ने, ये सब जनता देख रही है। हम लोग भी चुनाव प्रचार में थे कल, जो है मैं पूरा बदायूं सहित तमाम क्षेत्रों में, मैनपुरी की बात हो या और भी तमाम क्षेत्र बात हो, वहां पर लगा रहा लगातार प्रचार प्रसार में। लेकिन जो सच्चाई सामने निकल करके आई, जो जनता के बीच से हम लोगों ने देखा, तो उनकी यही एक मांग है जनता की कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा था और विजय श्री हासिल किया था, अब वो कहीं से भी प्रभावशाली नहीं है। जी, लोकल कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसकी जवाबदेही के साथ साथ मोदी जी की जवाबदेही भी तय कर रहे हैं। अब लोग मोदी जी का जो मैजिक था, जो कहीं ना कहीं अब की बार मोदी सरकार का नारा था, उसकी सच्चाई परखने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि मोदी जी अब ये सालों में उन्होंने कितना काम किया है, बेरोजगारी के क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया था, जो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, या महंगाई कम करने का बात की बात यार। सुनो, कूड़ा करने का कोई क्या करना है? अभी कोई जुड़ा बस मैं अपनी चर्चा का रुख करना चाहूंगी। लेकिन देखिए विनय तिवारी जी, आप लगातार सभी प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहे होंगे, सभी जीत का दमखम दिखा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो क्या है? आपका विश्लेषण क्या कहता है कि वाकई बीजेपी 2019 के नतीजों को दोहरा पाएगी पश्चिमी यूपी में? चुनाव जैसे चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, तो माहौल में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। अगर हम पहले फेज़ की बात करें तो वहाँ पे एक जाट बेल्ट थी, यूपी की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, तो जाट बेल्ट थी, वहाँ पे भाजपा की जो सहयोगी पार्टी थी राष्ट्रीय लोकदल, उनका भी वर्चस्व था। और दूसरे चरण में मथुरा वृंदावन के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे, लेकिन ये तीसरा जो चरण है ये भाजपा का गढ़ है। यहाँ पे अगर हम 2014 से और 2019 से तुलना करें तो 2014 में से जो सीटें थी वो आई थिंक 47 सीटें भाजपा ने जीती थी और उनके सहयोगियों ने, और 2019 में वही बढ़कर जो है करीब, जो थर्ड फेज की मैं बात कर रहा हूँ उसमें करीब 72 हो गई थी। खासकर यूपी की अगर हम बात करें तो 2014 में 3 सीटें भाजपा हार गई थी 10 सीटों में से, और
19 में 2 सीटें हारी थी। ये अगर 10 सीटों की अगर विश्लेषण किया जाए तो ये 10 की 10 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा का किसी अपनी सहयोगी दलों से कोई हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधी यहाँ पे एनडीए और इंडिया का लड़ाई नहीं है, यहाँ पे भाजपा वर्सेज सपा की ही लड़ाई है। ये 10 सीटों पे इनमें 2 सीटें ऐसी हैं जो बदायूं और फिरोजाबाद, यही 2 सीटें ऐसी थी जहाँ पे भाजपा को 50% से कम वोट मिला था। बाकी सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 50%+ वोट मिला था। तो उस हिसाब से ये मतलब ऐसा माना जा सकता है कि ये जो सीटें हैं वो भाजपा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। जाट यहाँ पे जो जाति समीकरण है वो भी क्या है कि साक, लोध, मौर्य, यादव, मतलब जो बैकवर्ड है वो इनमें से यादव को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो है वो भाजपा के साथ थे। इसमें 2 सीटें ऐसी थीं जहाँ पर भाजपा को हार मिली थी। एक संभल है, संभल चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पे बर्क साहब ने चुनाव जीता था, बिल्कुल अब वो नहीं है, उनके पोते जो है वो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, वो भाजपा के लिए थोड़ा टफ है। और बाकी 3 सीटों पे तो माननीय मुलायम जी का परिवार ही चुनाव लड़ रहा है, वो फिरोजाबाद हो या बदायूं हो या मैनपुरी हो, तो वहाँ पे बेसिकली मुलायम सिंह की फैमिली का ही अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। लेकिन इन 10 सीटों में फिलहाल ये पहला तीसरा चरण है जहाँ पे भाजपा को एक एज मिलता है और भाजपा इस तीसरे चरण में विपक्षी पार्टियों की अपेक्षा मजबूत है। बिल्कुल ठीक है, मजबूत तो है वाकई, लेकिन यहाँ पर एक फतेहपुर सीकरी ऐसी भी सीट है जहाँ पर हमारे सहयोगी बताते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है। इसका जवाब मैं विवेक श्रीवास्तव जी से लेना चाहूंगी। विवेक जी, हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है, जो हर एक जिला अध्यक्ष से लेकर जनता क्या सोच रही है इसके बारे में बखूबी पहुंचाते हैं, उनके मुताबिक फतेहपुर सीकरी में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। क्या एंटी इनकम्बेंसी झेलने के बाद भी आपको लगता है कि फतेहपुर सीकरी आप हासिल कर लेंगे आसानी से? देखिए, कुछ नाराजगियां के प्रत्याशी को लेकर, लेकिन मतदान के दिन तक हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा प्रयास होता है कि अपने मतदाताओं को मना करके उत्तर ले जाए। वो संगठन हमारे पास है, वो संगठन हमारे किसी विरोधी दल के पास नहीं है। विपक्ष इतना बिखरा हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने अभी अभी मध्य चुनाव में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। नरेश उत्तम पटेल जी की जगह श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना रही समाजवादी पार्टी आज की सूचना है। अब आप अंदाजा लगा ले कि विपक्ष अपने हार को देख के कितना परेशान, हताश, निराश है। कोई अपने कार्यकर्ताओं को पीट रहा है, कोई अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दे रहा है। ये खलबली विपत्ति खेमे में अन्यास नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के रथ का नाद है जो ये इंडी गठबंधन के दिलों में घबराहट पैदा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को हम उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी की क्षेत्र झोली में डालने जा रहे हैं। बिल्कुल डीपी यादव साहब, खलबलाहट है, बौखलाहट है। 2 चरणों के चुनाव बीतने के बाद अब आपने जो अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला है, अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते हैं, इस समाजवादी पार्टी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। जो बीच रास्ते में तमाम मुख्यमंत्री चेंज कर देती, अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री कट्टर मकान सिंह इसको बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और भी तमाम प्रदेशों में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो अपनी हार नीति देखती है वो संगठन या वो सरकार पर फिर प्रदर्श करती रहती है। अच्छी ये भी दिखाई जा रही है कि चुनाव के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा, कोई और मुख्यमंत्री पार्टी का मामला है किसको मुख्यमंत्री बनाती है किसको नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नरेंद्र उत्तम पटेल जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इसके वजह से वो संगठन को समय नहीं दे पा रहे थे। तो जिसकी बात है हमने उनको लोकसभा चुनाव बनाया है, तो अब दूसरा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, संगठन का काम जो बेहतर तरीके से देख सके, समय पूरा दे, कहीं ना कहीं हमने इस बाल समाज के जो पिछड़ी जात से आते हैं उनको
प्रदेश अध्यक्ष बना है तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ों का कल्याण करती नहीं है, इसलिए उसको तो आपत्ति होगी कि कैसे पांच समाज को ला करके समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मैं बताऊं जो दो फेज में चुनाव हुए हैं जिसमें 16 लोकसभा सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर चुनाव हार रही है, वहां के लोग बता रहे हैं और जो हमने फीडबैक लिया है वहां से। और तीसरे चरण में चुनाव में तो मैं पूरा लगातार घूमा हूँ, चाहे मैनपुरी का हो, समाज का हो, बदायूं का हो, वहां पर तो सभी समाज के लोग, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मौर्य समाज के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली से उठ चुके हैं। उनका ये कहना है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है और उसका हिसाब देने की बजाय वो विपक्ष से ही पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी की, आपने क्या किया, आप क्या करेंगे। अरे हम सरकार में नहीं है, आपकी जवाबदेही है, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं मुस्कान जी, जो चुनाव का निकल करके आ रहा है वो ये है कि पिछले 10 सालों में पहली बार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही तय कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं कई सीटों पर गया जहां पर प्रत्याशी ये कह रहा है कि आपने तो मोदी और योगी जी को वोट दिया है, आप उनसे जाकर के पूछिए सड़कें क्यों नहीं बनी, अस्पताल व्यवस्था क्यों नहीं ठीक है, शिक्षा क्यों नहीं दुरुस्त है। तो आप लोग कह रहे हैं कि भैया अगर मोदी योगी के पास हमको जाना है दिल्ली चल करके, लखनऊ चल करके, तो इससे अच्छा हम कैंडिडेट को ही दूसरा चेंज कर लें, तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हमारी समस्याओं का निवारण करें। और आपने जो है, आपके जो रिपोर्टर है वो कोई हवा हवाई बात नहीं की है, चाहे वो फतेहपुर सिकड़ी हो, आंवला हो, या अन्य फिरोजाबाद की बात हो, कन्नौज की बात हो, या किसी भी सीट की आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग घमंड में चूर है और एंटी इनकम्बेंसी तो चारों तरफ है, हर सेवा क्षेत्र में है। और देखिएगा आज जब 4 जून को नतीजे आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कैसे तोते उठते हैं इसका पता चल जाए। और चलिए फिलहाल 4 जून का इंतजार करते हैं। लेकिन देखिए विनय तिवारी जी, वोटिंग परसेंटेज लगातार घट रहा है, चाहे हम पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, ऐसे में तीसरे चरण का भी अगर वोटिंग परसेंटेज घटता है तो आखिर जनता घरों से बाहर निकल के वोट देना आपको क्या लगता है मुनासिब क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि अगर ज्यादा मतदान, यानी कि जनता ज्यादा जागरूक है, लेकिन मतदान प्रतिशत घटने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी ही नहीं समझ रही है। देखिए मतदान कम होना जरूर चिंता का विषय है और इस पर निर्वाचन आयोग भी जो है काम कर रहा है, सारी पार्टियां भी अपने मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। पहले फेस के अपेक्षा दूसरे फेस में इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मतदान बढ़ा था। उम्मीद ये है कि तीसरे फेस में हमारे मतदाता जरूर जो है बूथ तक जाएंगे और अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम भी जो है जनता से अपील करेंगे कि आप वोट अवश्य दें। ये 5 साल में ये आपके पास ऐसा एक मौका आता है जब आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, तो मतदान तो करना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी को लेके जो है, देखिए अगर मतदान कम हो रहा है तो उसे आप एंटी इनकम्बेंसी नहीं कह सकते हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर वो वोट प्रतिशत में क्यों नहीं दिख रहा है? वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अमूमन जब वोट प्रतिशत बढ़ता है, मतदान जब ज़्यादा होता है, तब बोला जाता है कि जनता में आक्रोश है और वो जो है कुछ बदलाव चाह रही है। बट ऐसा कुछ अभी 2 चरणों में दिखाई नहीं पड़ा है। मैं थोड़ा ये तीसरे चरण का यूपी से रिलेटेड तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 94 सीटों पे जहाँ पे वोट हो रहा है, सॉरी इलेक्शन हो रहा है, उसमें हमें यूपी से ज़्यादा जो एक सस्पेंस लग रहा है वो है कर्नाटक की जो 14 सीटें हैं और महाराष्ट्र की जो 11 सीटें हैं। जी, ये 25 सीटें भाजपा के लिए और विपक्षियों के लिए बहुत निर्णायक है, क्योंकि अमूमन बाकी स्टेट में चुनाव लगभग ओपन है, पता चल रहा है। बट कर्नाटक में अभी जेडीएस के एक घर के ही कैंडिडेट को जो है उनको आरोपी बनाया गया है, कुछ खुलासे उसमें हुए, तो वहाँ का माहौल क्या है? अब 14 सीटों पे जो 14 बची सीटें हैं उन पे इलेक्शन हो रहा है, जनता उस पर क्या जो है रुख अख्तियार करती है वो देखने वाली बात होगी। वैसे भी भाजपा को वहाँ पे तगड़ी चुनौती मिल रही है कांग्रेस से। कांग्रेस ने अभी रिसेंटली विधानसभा में भाजपा को एक अच्छे मार्जिन से हराया था। तो कर्नाटक की जो 14 सीटें हैं और महाराष्ट्र में जो समीकरण है गठबंधन का, वहाँ पे भी
सस्पेंस है, कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा जी। तो ये 25 सीटें अगर इन पे विपक्षी पार्टियां या भाजपा एक अच्छी रणनीति बनाती हैं तो तीसरे चरण में एक निर्णायक स्थिति में चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष पहुंच सकता है। लेकिन विनय तिवारी जी, अब तो रणनीतियों का दौर निकल चुका है, अब पूरी तरीके से जो कमान है वो जनता के हाथ में आ चुकी है। अब जनता को ये तय करना है कि आगामी 5 सालों के लिए वो जीत का ताज किसके सर पर पहनाती है। और धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फाइट जबरदस्त है और चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, 10 सीटों पर दंगल देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि अभी तक 2 चरणों की अगर हम बात करें तो 190 सीटों पर मताधिकार का इस्तेमाल हो चुका है और कल 3रे चरण की जब जनता मत का इस्तेमाल करेगी तो आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान खत्म हो जाएंगे। यानी कि आधे से ज्यादा सीटें ऐसी होंगी जहां पर जनता कौन आगामी 5 सालों के लिए उनका प्रतिनिधित्व तो दिल्ली जाकर करता है यह तय हो जाएगा। तो प्राइम टीवी भी लगातार सभी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप सभी घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक एक वोट बहुत अहम है, एक एक वोट आपके और देश के विकास के लिए बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। तो हमारे इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी।